बता ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी तक पहुंचाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का प्रवक्ता है। राजनीतिक घटनाक्रम के बीच इस बात का खुलासा हुआ कि ये वही शख्स है जिन्होंने आए दिन टीवी डिबेट में चर्चा के दौरान देखा जाता है। बात कर रहे हैं जफर इस्लाम की, जिन्होंने भारतीय कांग्रेस और मध्य प्रदेश सरकार में खलबली मचाने का काम कर डाला है। यहाँ तक कि कमलनाथ पर हर गुजरते लम्हे के साथ संकट गहराता नजर आ रहा है। बताते चले, राजनीति में आने से पहले सैयद जफर इस्लाम डायचे बैंक में प्रबंध निदेशक थे। मोदी की राजनीति से प्रभावित होकर उन्होंने 2014 में बीजेपी का दामन थामा, जिसके बाद उन्हें प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। वहीं 2017 में एयर इंडिया बोर्ड का गैर आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया। साथ ही सैयद जफर इस्लाम की पहचान बीजेपी में मुस्लिम विचारक के तौर पर होती है। जफर इस्लाम न सिर्फ अपनी कथनी से संघ और पार्टी का बचाव करते हैं बल्कि अपनी लेखनी से भी मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने की लगातार कोशिश किया करते हैं। बता दें 4 मई 2017 को उन्होंने मुसलमानों से बीजेपी को एक मुनासिब मौका देने की बात कही थी। अपने लेख में उन्होंने मुस्लिम समुदाय को धर्म निरपेक्ष पार्टियों के शिकंजे से बाहर निकालकर अपना महत्व समझाने की वकालत की थी। मृदुभाषी और बेहद शालीन व्यक्ति के धनी जफर इस्लाम को बीजेपी के बड़े नेता खास तवज्जो देते हैं। उनकी काबिलियत को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दांव खेलने की छूट दी। एक बात तो उनके बारे में कही जाती है कि नरेंद्र मोदी से उनके ताल्लुकात काफी मधुर हैं। इस खबर में बस इतना।